नमस्कार। सिंह राशि पर अगले 10 मिनट में चर्चा करेंगे और आज के समाचार ये हैं सिंह राशि के कि 1 से 15 जुलाई तक क्या क्या विशेष घटनाएं घटित हो रही हैं ग्रहों की, आपका उनसे क्या सरोकार, क्या संबंध है, पॉजिटिव है या निगेटिव। साथ ही साथ बहुत सारे दर्शकों की ये डिमांड है कि आप अलर्ट डेट जरूर बताएं, तो मैं पहले बात जो शुरू करूंगा अलर्ट डेट से ही शुरू करूंगा। जुलाई में 1 से 15 जुलाई का ये वीडियो है, लेकिन पूरे जुलाई में कौन कौन सी डेट अलर्ट वाली हैं, इन पर सोचना विचार करना आपका दायित्व है। इन तारीखों में से आपको बहुत सतर्क रहना है, बहुत सावधानी से चलना है। लेन देन पैसे का, वाहन आदि चलाना, खान पान सही रखना, लाइफ स्टाइल सही रखना, व्यवहार सही रखना, लड़ाई झगड़े से बचना, ये सारी बता दी गई हैं बातें। यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें, ऐसा लिखा रहता है सार्वजनिक स्थल पर। यही बात इस सार्वजनिक YouTube के मंच से हम आपको साझा कर रहे हैं कि आप ध्यान दें। दोबारा बताता हूं ये तारीखें कौन कौन सी हैं। 7-8 जुलाई, 17 और 18, 26, 27 और 25, 25, 26, 27 तीनों इकट्ठी हैं। 25, 26, 27 जुलाई, 7-8 और 17-18 जुलाई ये सिंह राशि वालों के लिए अनुकूल नहीं रहेंगी। और जब अगर उस दिन कहीं जाना है, आवश्यक कार्य, ऑफिस तो आप रोज ही जाते होंगे, या दिनचर्या है, तो तुलसी का पत्ता मुख में डालें या भगवान शिव का अभिषेक करें। चंद्रमा जब अनुकूल नहीं होता है तो मानसिक संतुलन या मानसिक स्थिति, जितने भी लड़ाई झगड़े परेशानी टेंशन होती है चंद्रमा के कारण होती है, उस दिन दूध का दान करें, मंदिर में अभिषेक करें भगवान शिव का, तो और सूर्य का मंत्र पढ़ें, ओम सूर्याय नमः। सिंह राशि का स्वामी सूर्य, इनको कोई राजा है, वो इस ब्रह्मांड को आलोकित और प्रकाशित करने वाले सूर्य देव, उस सूर्य वंश के जो भगवान राम है उनका नाम लो, श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। तो 4-5 बदलाव हैं। सिंह राशि का सप्तम भाव का स्वामी वक्री होकर छठे भाव में आपके शत्रुओं का नाश होगा। कंपटीशन करने वाला जो आदमी है आपके सामने नहीं आएगा। आपका झगड़े झंझट परेशानी तनाव कंपटीशन खत्म होगा, आप पास हो जाएंगे। और तीसरी बात, शत्रु रोग और शत्रुओं के लिए कष्टकारक रोगों का विनाश, और मामा पक्ष आपके जो नन साल है उनके लिए भी कष्टकारक समय आएगा। कारण क्या है कि छठा शनि मामा को कष्ट देता है, मातुल पक्ष। अष्टम भाव में बैठे हुए जो राहु है वो आपके लिए, अष्ट का मतलब ही कष्ट है, पैरों में दर्द, सूजन, गुप्त चिंता, मन में परेशानी, तथा अष्टम भाव में जब राहु आता है तो दिन में भी उल्टे सीधे सपने आते हैं। आदमी उड़ रहा है, कहीं नाव में बैठा है, कहीं पानी में, उसको डर लगता है, सपने में भी एक्सीडेंट होते हैं। ये अष्टम स्थान पर बैठे हुए राहु का प्रभाव है। और आपका जो शनि है वो आपके लिए पॉजिटिव बन जाता है, लेकिन अष्टम राहु हो सिंह राशि, सिंह लगन या राशि के, अच्छा नहीं होता। अष्टम राहु चंद्रमा का ग्रहण योग ठीक नहीं होता। अब यहां बात करेंगे आपके दशम भाव में 12 जुलाई को मंगल और बृहस्पति, जो आपकी बुद्धि स्थान का स्वामी है, पंचम भाव आपकी संतान के लिए शुभ है।
योग कारक, योग कारक यानी कि सिंह राशि का चतुर्थ और भाग्य स्थान का स्वामी केंद्र में मजबूत स्थिति में, जैसे हनुमान जी गदा लेकर के खड़े हो जाते हैं या अंगद ने रावण की सभा में पैर जमाया, ठीक इसी प्रकार मंगल जो ग्रह है कृष्ण जन्माष्टमी तक 12 जुलाई से, कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तक उस दिन चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे, उसी दिन मंगल भी वहीं होंगे, चंद्र मंगल का राजयोग बनेगा, महालक्ष्मी राजयोग और सूर्य आपके लगन में होंगे, भगवान कृष्ण के जन्म के समय की ग्रह स्थिति उस समय होगी और आश्चर्य तो तब होगा आपको, एक शब्द मेरे मुंह से अभी निकलने वाला है जो आपको आश्चर्यचकित करेगा। इस साल वही बृहस्पति है, उसका संयोग जन्माष्टमी के दिन सिंह राशि के दशम भाव पर होगा जो वृषभ राशि में बृहस्पति था, भगवान कृष्ण का लगन में बैठ करके गज के श्री योग, राजाओं जैसा योग, चंद्र का और बृहस्पति, सेनापति और बृहस्पति दोनों आपके दशम भाव में, शनि वक्री होकर के पॉजिटिव हो रहा है। अब उससे भी अच्छी सुंदर बात क्या है, आपके द्वादश भाव में बुध, लेकिन सूर्य आपकी राशि का स्वामी एकादश भाव में है, 11th हाउस, 16 जुलाई के बाद परिवर्तित होगा, वो बात अलग है कि बाद में वीडियो में बताएंगे 16 जुलाई के बाद क्या होगा, आपकी यात्राएं कैसे होंगी बाद में बात करेंगे, फिलहाल पेपर लीक नहीं करेंगे 16 तारीख के बाद का। अब हम सिर्फ छोटी सी बात कर लेते हैं, मंगल ग्रह की शुभत्व आपके लिए पॉजिटिव, बृहस्पति केंद्र में शुभ, अष्टम राहु कष्ट कारक आपके धन कुटुंब वाणी स्थान पर जो केतु है वो अच्छा नहीं है, लेकिन द्वादश भाव में बुध का ये अच्छा माना जाता है कि खूब अच्छे विद्वान लोगों की सभा में इनको सम्मानित किया जाता है, तथा 12वां शुक्र आपकी कुंडली में योग कारक बनेगा 12वें भाव में 6 जुलाई को, और ये उसी दिन गुप्त नवरात्र शुरू होंगे। सभी दर्शकों के लिए सूचना ये है कि जो गुप्त नवरात्र में व्रत रखता है उसके जो गुप्त काम है, गुप्त चिंताएं हैं, वो समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि चौपाई बताई गई है, सो तुम जानहु अंतर्यामी, भगवान से कहो हे प्रभु मेरी क्या प्रॉब्लम है वो आप जानते हो, वो पूरी कैसे होगी वो भी आप जानते हो, गरीब जानकर मुझको न भुला देना, तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दवा देना, हे प्रभु, यानी के उत्तर कांड में लिखा है कि जो खगेश है कौन, राम भजन बिनु सुनहु खगेशा, मिटहि न जीवन केर कलेसा, बिना हरि भजन के जीवन के कष्ट मिटते ही नहीं है, तो ये आवश्यक है सिंह राशि के लिए सूर्य की उपासना तथा भगवान शिव की पूजा। अब हम बात कर लेते हैं, दोबारा एक बार रिपीट करता हूं कि सिंह राशि के लिए कौन कौन सी अलर्ट डेट हैं, 7-8 जुलाई, 17-18 जुलाई, 25-26 और 27 जुलाई आपके लिए सुरक्षित रहना, सावधान रहना, अच्छे से काम करना, अच्छी बातचीत। अब हम महादशाओं पर बात कर लेते हैं, केतु की महादशा जिनका महा नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का एक चरण होता है, उत्तरा फाल्गुनी एक और पूर्व फाल्गुनी चार, मघा नक्षत्र चार चरण, 9 हो गए। तो जिन के मघा नक्षत्र वालों की अब जो दशा चल रही है शुक्र के बाद की, 21 साल 27 साल के जो हो चुके हैं, 27, 25, 26 के बाद सूर्य की दशा और फिर चंद्रमा, इनके लिए विदेश यात्रा के योग बनाता है,
अगर सिंह लगन है तो और भी ज्यादा पुष्टि होती है इस बात की। सूर्य चंद्र मंगल ये वरदान बनती हैं, ये दशाएं इनके लिए, और राहु की दशा में बड़े बड़े डिप्लोमेटिक कार्य करते हैं, मान सम्मान तरक्की एक्सपीरियंस लेते हैं। बृहस्पति कष्टकारक होता है, लेकिन लगन पर डिपेंड करता है आपका लगन कौन सा है। शनि की दशा भी वरदान बनती है, शुक्र की महादशा में हीरे मोती जायदाद तरक्की ये तो शुरू में ही हो जाती है, शुरू शुक्र की दशा। लेकिन शनि बुध केतु शुक्र ये सारे अच्छे फल देती हैं। अब हम मघा नक्षत्र की बात कर लें, इनके बाद कौन सा है, पूर्व फाल्गुनी, इनकी शुक्र की दशा होती है। अब 26 साल की उम्र से और 36 साल की उम्र के बीच वाले युवा वर्ग की बात करते हैं, उनके लिए सारी अपॉर्चुनिटी अच्छी हैं, अच्छी मोती की माला और अच्छे आप सोने चांदी आभूषण, अच्छे वस्त्र, अच्छा खान पान, अच्छे अच्छे वाहन तथा विदेश यात्रा के साथ साथ आपका जो मन है अंदर से परिपूर्ण है, सुखी हैं आप। और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के लिए बिल्कुल सटीक बात यह है कि 26 साल की उम्र के बाद वालों की बात करेंगे, सूर्य की दशा चल रही है डंके की चोट पर, और 32 साल के बाद 32 से 42 के बीच वालों की चंद्रमा की दशा बड़ा आनंदित सुखी वैभवपूर्ण जीवन और दूर दूर तक सम्मानित हो रहे हैं, गले में माला, अच्छे वाहन। मंगल ग्रह जिसका खराब है उसकी बात मैं नहीं कर सकता, राहु जिसका खराब है वो जन्म कुंडली में कौन से ग्रह आपको कष्ट दे रहे हैं ये हम नहीं कह सकते अभी। तो हम बात कर रहे थे 26 से 32 साल की, 26 से 36 साल तक सूर्य 6 और 20 26 सूर्य 6 और 10 चंद्रमा 16 7 23 23 साल की उम्र तक मैं अपनी जो कैलकुलेशन है उसको करेक्ट करता हूँ दोबारा। अब दोबारा सुनिए इस बात को, पिछला कैलकुलेशन हो सकता है गलत हो, अब सही है। 23 साल की उम्र तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की जो दशा है वो मंगल की है, 23 से 41 तक राहु की महादशा वरदान बनेगी, एक्सपीरियंस देगी आपको और बहुत अच्छे एक्सपीरियंस देगी, मान सम्मान। उसके बाद 23 और 18 41 साल तक का है ये, और उसके बाद फिर बृहस्पति की दशा 16 वर्ष तक, 41 और 16 57 के बाद 76 साल तक शनि की महादशा, फिर उसके बाद बुध की महादशा 93 उम्र तक, फिर केतु और शुक्र, ये सीक्वेंस होता है। तो इनके लिए चंद्रमा की महादशा और सूर्य ये तो अच्छी होती ही होती है, अगर शुक्र भी वैभवपूर्ण जीवन देता है तथा राहु अगर डिप्लोमेटिक ग्रह जरूर है, अगर वो खराब स्थान में बैठा तभी नुकसान देता है, अन्यथा जीवन में स्थायित्व देने वाला राहु ग्रह सबसे शुभ माना गया है। बहुत लोगों को सुन करके अच्छा नहीं लग रहा होगा कि राहु की प्रशंसा हो रही है, राहु ही सरप्राइज देता है, ऐसा काम करता है मनुष्य जो उसके खानदान में कोई नहीं करता। किन किन कामों को कर सकता है वो, इनकी चर्चा नहीं करने हैं, क्यों, करने के बाद बहुत सारी चीज ऐसी डग आउट करके निकलेंगी जिसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है समाज में। फ्रॉड करने वाले, नशा करने वाले भी राहु वाले हो सकते हैं, तथा अपने मन में ऐसी रहस्यमयी प्लान बनाते हैं जो कोई नहीं बना सकता, वेल प्लान्ड काम करते हैं, वेल प्लान, बहुत अच्छे तरह से योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं,
और उनके रहस्य कानों कान किसी को पता भी नहीं चलते। साथ ही साथ इस हाथ से अगर काम कर रहे हैं तो इस हाथ को पता नहीं चलने देते। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।